मुख्य मंदिर है गोलू देवता का, और सामने से पुराना रास्ता है और नया रास्ता यहाँ से खुल गया है। घोड़े में सवार होते हैं और हाथ में गधा है और तलवार है। यहाँ से दिखाई देता है हार्ट की शेप में। प्योर वेज आपको मिलता है शिवा रेस्टोरेंट मल्लीताल में। प्रसाद दिखा दूं मैं आपको यहाँ पे गोलू देवता का। तुम्हारी जयकारा। शादी सीजन चल रहा है और मंदिर में भी काफी मैरिज हो रही है। मैरिज कराना चाहते हैं तो यहाँ पे मैरिज हॉल भी मिल जाते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, विक्की एनटीएल वीडियोस में आपका स्वागत करता हूँ और आज की न्यू वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ हेरिटेज बाजार, जो कि मेन बाजार है, बड़ा बाजार। तो मल्लीताल की मार्केट है और सामने से शिवा रेस्टोरेंट है। 29 नवंबर है और काफ़ी बढ़िया धूप खिली है नैनीताल में। तो शाम सुबह रात में काफ़ी ठंडा है और सुबह में ठंडा कम है, धूप खिल रही है। और दिन में तो काफ़ी गर्मी सी हो जा रही है, हल्की स्वेटर में और टी शर्टों में भी दिखाई दे रहे हैं काफ़ी टूरिस्ट। शुक्रवार का दिन है और टूरिस्ट काफ़ी कम है, बाकी दिनों के मुकाबले आज टूरिस्ट कम है। और ले चल रहा हूँ मैं आपको, आज दिखाने वाला हूँ घोड़ाखाल मंदिर, जो कि गोलू देवता का है और घंटियों वाला है। प्योर वेज आपको मिलता है शिवा रेस्टोरेंट मल्लीताल में। तो हेरिटेज मार्केट में ये मिलता है और काफ़ी टूरिस्ट बैठे हैं अभी इस समय। इक्का दुक्का तो दिखाई दे रहे हैं इस समय, टूरिस्ट कम है नैनीताल में। आप लोग प्लान करते हैं नैनीताल टूर, इस समय आते हैं, काफ़ी सस्ता है इस समय, घूमना काफ़ी सस्ता है और ठहरना काफ़ी सस्ता है। मौसम की बात करें नैनीताल में तो इस समय तो काफ़ी धूप खिली हुई है, देखिए यहाँ पे। और बढ़िया पान की दुकान है और खड़ी मार्केट है, तो काफ़ी सारा यहाँ पे शॉपिंग का मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे वुलन्स का काफ़ी बढ़िया मिलने लगा है, यहाँ पे ले सकते हैं नैनीताल ऊन से। तो काफ़ी पुरानी शॉप है और काफ़ी वुलन्स का इस समय कलेक्शन मिल जाता है आपको। तो खड़ी मार्केट है, शाम की मार्केट है ये, वायरलेस मार्केट, काफ़ी चमकती हुई मार्केट है, फोटोग्राफी का है, बैठने का है। नैनीताल से 14 किलोमीटर दूर पहुंच गया हूं मैं घोड़ाखाल मंदिर के पास। तो काफ़ी बढ़िया सड़कें हो गई हैं, देखिए पुराने समय में काफ़ी सड़कें ख़राब थी यहाँ पे, और इस समय जाम लगा हुआ है। तो रुके हुए हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे और व्यू काफ़ी बढ़िया है। तो नीचे का व्यू है ये वाला, तो यहाँ से दिखाई देता है हार्ट की शेप में। तो ये भीमताल है और पूरा भीमताल की आबादी है। तो विकास भवन वगैरह सभी कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट्स का है और काफ़ी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, हिल यूनिवर्सिटी। और सामने काफ़ी सारे ये फ्लैट्स बने हुए हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, और काफ़ी इस समय धूप खिलते हुए मौसम तो खुल गया है जाम। मैं ले चल रहा हूँ आपको घोड़ाखाल मंदिर, जो कि विवाह मूवी की शूटिंग भी हुई है और लाखों की संख्या में वहाँ पे घंटियाँ हैं। सामने से है घोड़ाखाल, जो कि सैनिक स्कूल है यहाँ पे, राष्ट्रीय सैनिक स्कूल। और राइट में देखते हैं तो हल्का सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, घंटियाँ वगैरह लगी हुई हैं। गोलू देवता का मंदिर है और यहाँ पे शुरुआत में ही दुकान मिल जाती है आपको प्रसाद की। तो बढ़िया बढ़िया यहाँ पे धार्मिक चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको, यहाँ से ले जा सकते हैं। और प्रसाद दिखा दूँ मैं आपको यहाँ पे गोलू देवता का। तो ये चढ़ता है पूरे मंदिर में, ये वाला है बैक साइड का सैनिक स्कूल का रास्ता और गेट, और सामने से है गोलू देवता का मेन पुराना गेट। तो आगे से नया गेट भी है, इस रास्ते ले चल रहा हूँ मैं आपको। लाइन से लगी हैं घंटियाँ, क्योंकि ये घंटियों वाला मंदिर बताते हैं, और गोलू देवता की मान्यता ये है कि यहाँ पे घंटी चढ़ती है, तो कोई भी आपकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पे घंटी चढ़ती है। और शुरुआत में छोटी चढ़ती है घंटी और बाद में बड़ी आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे खत वगैरह भी लिखे रहते हैं, काफ़ी स्टैम्प पेपर भी रहते हैं, तो कहीं से न्याय ना मिले तो गोलू देवता में आप अर्जी लगा सकते हैं और गोलू देवता न्याय करते हैं, तो न्याय के देवता माने जाते हैं। और इनका उत्तराखंड में सभी जगह मंदिर रहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आते हैं तो बुज़ुर्ग भी आ सकते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा ऊंचाई नहीं है और ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का ही है, और 100 मीटर करीब ये चढ़ाई रहती है हल्की फुल्की, तो आराम से स्टेप बाय यहाँ पे जा सकते हैं आप। मेन मंदिर जो कि चंपावत में है गोलू देवता, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पर विराजमान हुए, और उसके बाद चितई मंदिर अल्मोड़ा में हुए, और उसके बाद ये घोड़ाखाल मंदिर है। इस मंदिर में काफ़ी शादियाँ भी होती हैं और विवाह मूवी की शूटिंग भी यहाँ हुई है, तो शाहिद कपूर उनके जितनी फैमिली रहती है यहाँ पे आती है इस पॉइंट पे, तो आप मूवी देख सकते हैं। और इस समय देखिए घंटियाँ हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कह सकते हैं। जय गोलू देवता, सभी में अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ये वाला है मुख्य मंदिर इधर की तरफ, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, और घंटियाँ खत
और काफी सारे स्टैम्प पेपर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। श्रद्धालुओं की बात करें तो इस समय कमी टूरिस्ट है इस समय, बाकी आसपास की पब्लिक और काफी लोकल वाले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और टूरिस्ट भी हैं। इक्का दुक्का बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे मंदिर छोटा है, मान्यता काफी बड़ी है गुरु देवता की, तो न्याय के देवता माने जाते हैं पूरे उत्तराखंड में कुमाऊं में। तो आप लोग इस मंदिर में जरूर आएँ। नैनीताल टूर आप आते हैं, कैंची धाम आप आते हैं तो भवाली से ये पड़ता है 4-5 किलोमीटर में। काफ़ी श्रद्धालुगण पहुँचे हैं दूर दूर से, लोकल वाले भी हैं और काफ़ी टूरिस्ट भी शामिल हैं मंदिर में दर्शन के लिए। तो काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है और शादी सीजन चल रहा है तो काफ़ी शादियाँ भी हो रही हैं जगह जगह। भैरव मंदिर है और काली माता का मंदिर है यहाँ पे, तो यहाँ पे नज़र वगैरह सब उतारते हैं। यहाँ पे खिचड़ी चढ़ती है और इधर की तरफ गोलू देवता का मेन मंदिर है, गोलू देवता की मेन मूर्ति जो कि यहाँ पे है, तो सामने से दर्शन कर सकते हैं आप। जय गोलू देव, सभी में अपना कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे दिखाई देते हैं गोलू देवता जो कि घोड़े में सवार होते हैं और हाथ में गधा है और तलवार है। तो गोलू देवता न्याय के देवता हैं और सर्वप्रथम जैसे गणेश जी की पूजा होती है तो वैसे ही यहाँ पे कुमाऊँ उत्तराखंड में गणेश जी के साथ में गोलू देवता की भी पूजा होती है। तो आप लोग आते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे मन्नत है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, घंटियाँ बांध सकते हैं और अपने मन्नत को पूरा कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे यहाँ पे मंदिर मिल जाते हैं, राम दरबार है, आगे में राधा कृष्ण मंदिर भी है और हनुमान जी का मंदिर भी है यहाँ पे। यहाँ पे आप आते हैं तो गोलू देवता की भूति जरूर ले जाइएगा और सामने यहाँ पे है और बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुगण जयकारे लगाते हुए उधर की तरफ और हनुमान जी बैठे हुए यहाँ पे। जय श्री राम, जरूर आइएगा आप लोग घोड़ाखाल मंदिर। दोस्तों घोड़ाखाल मंदिर आके गोलू देवता के दर्शन करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे आके गोलू देवता का भजन एक आ गया है तो आपको सुनाना चाहूँगा। जय हो गोलुदेवा तुमरी जयकारा, जय हो गोलुदेवा तुमरी जयकारा, आयो हम तुमरे द्वारा, आयो हम तुमरे द्वारा। जय गोलुदेवा, जय गोलुदेवा, जय गोलुदेवा। एकदम से दोस्तों काफी टूरिस्ट पहुंच गए हैं और काफी लोकल वाले भी पहुंच गए हैं। तो आसपास में शादी सीजन चल रहा है और मंदिर में भी काफ़ी मैरिज हो रही है और काफ़ी दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। मुख्य मंदिर है गोलू देवता का और सामने से तो छोटा मंदिर है, मान्यता काफ़ी बड़ी है क्योंकि मन्नत पूरी होती है यहाँ पे, गोलू देवता विराजमान है। और इधर की तरफ काफ़ी बड़े बड़े घंटियाँ और काफ़ी सारे खत वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी छोटे छोटे बच्चों के साथ और फैमिलीज़ के साथ बुजुर्गों के साथ पहुँचे हुए हैं। तो आप भी आइए और घोड़ाखाल मंदिर, कैंची धाम और मुक्तेश्वर महादेव और नैना मंदिर नैनीताल में। तो ऊपर में घोड़ाखाल मंदिर है और काफ़ी सारे मैरिज यहाँ पे होती है, तो आप लोग भी मैरिज कराना चाहते हैं तो यहाँ पे मैरिज हॉल भी मिल जाते हैं आपको और डीजे वगैरह सारा कुछ, तो रूम्स वगैरह भी हैं। और व्यू की बात करें तो अद्भुत दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है आपको भीमताल का। तो देखिए यहाँ पे हार्ट की शेप में आपको भीमताल मिलता है, बहुत बढ़िया। और इस समय नज़ारा काफ़ी बढ़िया हो रहा है, धूप खिली है सुबह से, ये भैया लोग मिल जाते हैं यहाँ पे। तो डीजे वगैरह और काफ़ी सारा यहाँ पे मैरिज का जितना भी रहता है तो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलती हैं। हम लोग जैसे ही पहुँचे यहाँ पे तो काफ़ी कम भीड़ थी और एकदम से काफ़ी ग्रुप भी आ गया है और आसपास की पब्लिक पहुँच गई है और काफ़ी टूरिस्ट भी बढ़ा है इस समय, दिखाता हूँ मैं आपको। एक रास्ता ये वाला है जो कि मैं आया हूँ इस रास्ते से, तो काफ़ी श्रद्धालुगण यहाँ से भी आ रहे हैं और ये पुराना रास्ता है और नया रास्ता यहाँ से खुल गया है, तो ये वाले रास्ते से भी आप आ सकते हैं। आगे में टी गार्डन है और टी गार्डन से होते हुए एप्पल गार्डन और मुक्तेश्वर महादेव भी आप जा सकते हैं। तो हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालुगण पहुँच रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर, कैंची धाम और नैनीताल। तो आप भी आइए और नैनीताल प्लान करिए। तो सुहाना मौसम है, मौसम बढ़िया, धूप खिल रही है, दिन में काफ़ी मीडियम मौसम है और रात में और सुबह में थोड़ा ठंडा है, तो मोटी जैकेट स्वेटर लेके जैकेट लेके आप आ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं रोकते हैं दोस्तों, वीडियो कैसी लगती है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल में नए एक बार जरूर करिए। मिलते हैं कोई और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी।